अच्छा है, दे दे तेरा देवर दीवाना। मेरा नाम है उदा शेट्टी उर्फ नाना। अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मैच में जो खेला जा रहा है कल्लू कल्लंस और टिल्लू बम्बाज के बीच। तो पहले बल्लेबाजी करने आ रहे हैं कल्लू कल्लंस टीम के खिलाड़ी मिस्टर मुन्ना पहाड़ी, जिन्होंने रख रखी है फ्रेश कट दाढ़ी। अच्छा है। और साथ में रनिंग में खड़े हैं मिस्टर गोटी, जिनकी खुद की लंबाई है उनके बल्ले से छोटी। ये भी अच्छा है। मुंह में कमला पसंद दबाए बॉलिंग कराने आए हैं मिस्टर टिल्लू बम्बाज। और अंपायरिंग पे खड़े हैं मिस्टर राजू उर्फ घनघोर सिटियाबाज। ओए, तो मैच की पहली गेंद फेंकने आ रहे हैं मिस्टर टिल्लू गुसलखाना एंड से। और ये फुल टॉस गेंद मुन्ना पहाड़ी ने बल्ला घुमा दिया है। गेंद आसमान को चीरती हुई, पंछियों के पिछवाड़े को चूमती हुई, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक झड़ामू शॉट की जरूरत थी, वो भी मुन्ना पहाड़ी ने पूरी कर दी। अच्छा है। ओए 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 ओआ, देखता शोला है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये कुछ नहीं करी से। बस आंखें बंद करके अंधी लपेटी से, समझे। कल्लन दादा। हाँ। इसके बाद हम उतर जाएं। अरे रुक जाओ यार, काहे खाली पीली नसूट फैलायो। तो ओवर की दूसरी गेंद लेके टिल्लू बम्बाज बहुत तेजी से बैट्समैन की ओर भागते हुए। और ये फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से मुन्ना पहाड़ी ने घुमा दिया है। और गेंद पगलाए सांड की तरह तेजी से सीमा रेखा की ओर भागते हुए। 6 रन। अरे बंटू भाई कहाँ जा रहे हो? अरे गेंद लेने जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। अबे रिक्शा कर लेना, बहुत दूर गई है गेंद। रिंकू यार तुम थोड़ा पीछे लगो यार, सही से नहीं कर पा रहे फील्डिंग। ऐसा है, बॉलिंग कराओ जाके सीधे। कायदे से सूते गए हो और गलती हमारी बता रहे हो। आंखों में लिए हैं अंगारे, टिल्लू ओवर की तीसरी गेंद फेंकने सीधे बल्लेबाज की तरफ आ रहे। यॉर्कर बॉल, और बॉल कर दिया है मुन्ना पहाड़ी को। अच्छा है, करम वाली भाई ठीक क्या करती थी, कभी भी टिल्लू बम्बाज को हल्के में ना लेना, आज लिया तो भुगत। दादा अब हम चले जाए। दादा नहीं। दादा बस एक बार जाने दो। तो हर कसम खा रहे हैं दादा, अगर मार छक्का साला गेंदवा ना फाट डाली तो हमारा भी नाम पांडुरंग नहीं। अरे बाप रे, साला दिमाग का दही कर दियो तुम तो, मरो जाके। अच्छा है। तो बॉलरों से लड़ने जंग आ गए कल्लू कल्लस के नए बल्लेबाज मिस्टर पांडुरंग। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गुल्ली डंडा खेलने में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। चलिए देखते हैं आज क्या करते हैं। तो एक बार फिर टिल्लू बम्बाज गुसलखाना एंड से ओवर की चौथी गेंद लेके आते हुए। और ये बाउंसर बॉल सीधा सर पे, और ये हिट विकेट हो गया बल्लेबाज। आइए मेरे तूफानी बल्लेबाज, बहुत बातें छोक रहे थे, ई कर देंगे वो कर देंगे, गए रहे गेंदवा फाड़ने और सरऊ खोपड़ी फाड़वा चले आए। अरे दादा आई नहीं गेंद बल्ले पे। विदित चुप्पे चाप बैठो जाके वहां पे, वरना एक ही कंटाब में आगे गीली और पीछे पीली दुइनो हो जाई, केवल 2 ही मिनट लागी। अच्छा है। तो दूसरे विकेट के पतन के बाद एक अजीबोगरीब बल्ला लेके बैटिंग करने आ रहे हैं कप्तान कल्लू कल्लन। अरे चचा इका उठा लायो। भतीजे इका मोंगूज बैट कहते हैं। मोंगूज मोंगूज नहीं, ई हमका चाची की कपड़ा धोने वाली मोंगरी लागत है। तो टिल्लू ओवर की पांचवी गेंद लेके बल्लेबाज की ओर तेजी से भागते हुए, और कल्लू कल्लन भी अपनी मोंगरी लिए बिल्कुल तैयार। एक और फुल टॉस गेंद, कल्लू का मुंगरी से जोरदार प्रहार, गेंद सीधा सीमा रेखा पर, एक और भनभनाता चार।
अच्छा है। क्यों, देख लिया हमारे बल्ले कमाल? अच्छा है, तो टिल्लू बम्बाज ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। टिल्लू गेंद लेके भागते हुए और फिर से यॉर्कर बॉल और ये बोल्ड। अच्छा है, मुंगरी छोटी पड़ गई, गेंद सीधे विकेट में घुस गई। अच्छा है, तो इस प्रकार कल्लू कल्लंस की पारी 16 रन पर समाप्त हुई और टिल्लू बम्बाज को चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 17 रन। दोस्तों, क्या टिल्लू की टीम 17 रन बना पाएगी? क्या पांडुरंग का गुलम्मा लंच ब्रेक से पहले सही हो पाएगा? क्या कल्लन दादा अपनी इज्जत बचा पाएंगे? और क्या गोटी बैटिंग ना मिलने के बाद भी फील्डिंग करेगा? जानने के लिए देखिए गली क्रिकेट का अगला एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।